बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि बादल के टुकड़े हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरे किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह तेजी से नीचे गिरने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बादल कैसे फटता है इस बात को जानने के लिए आप वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटना और भारी बारिश का कोहराम अक्सर मचा ही रहता है। कई जगहों पर भूखलन से पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरते हैं। उत्तरकाशी, लाम, बागेश्वर, चमोली और टिहरी में तो हालात बहुत बुरे होते हैं। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि बादल के टुकड़े हो गए हैं। ठीक वैसे ही बादल फटने से पानी से भरे बादलों की बूंदें तेजी से जमीन पर गिरने लगती हैं। इसे फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अचानक तेजी से फटकर बारिश करने वाले बादलों को प्रेग्नेंट क्लाउड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों अचानक से फट जाते हैं बादल। कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है। फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बारिश हो सकती है। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्यों ज्यादातर बादल पहाड़ों पर ही फटते हैं। पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक से एक स्थान पर तेज बारिश होने लगती है और चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का दायरा ज्यादातर 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है कि जो सैलाब बन जाती है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं है, इसलिए तेजी से पानी नीचे आता है और नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पर्वतों के टुकड़े ले आता है और इसकी गति इतनी तेज होती है कि उसके सामने पड़ने वाली हर चीज को बर्बाद कर देता है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लियो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इसका मतलब सिर्फ पहाड़ों पर ही बादल फटते हैं, मैदानी इलाकों में नहीं फटते। पहले धारणा थी कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर होती थी, लेकिन मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की एक घटना के बाद यह अवधारणा बदल गई है। अब यह माना जाता है कि बादल कुछ खास उपस्थितियों में फट सकता है। ये स्थितियाँ जहाँ भी बन जाए बादल फट सकता है। कई बार बादल के मार्ग में अचानक से गर्म हवा का झोंका आ जाए तो भी बादल फट जाते हैं। मुंबई की घटना इसी वजह से हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर कुछ प्रमुख बादल फटने की घटनाएं जहां जहां पर इंडिया में हुई थी मैं उन्हें डिस्प्ले में लगा रही हूं। आप इन्हें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल फटने की कितनी भयावह घटनाएं हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।